एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत अभी सुबह से कर रही हूँ। आपको धूप की किरणों से सीधे लग रहा होगा कि धूप की किरणें सीधे रूम पे आ रही हैं और आजकल पहाड़ों पे भी लगने लग गया है कोहरा, और ये कोहरा शायद झील की वजह से लग रहा है। तो अभी मैं कर रही हूँ घर के बहुत सारे काम, क्योंकि घर के कोई काम ही नहीं हो रखे हैं। इतने दिन से घर में नहीं थे तो घर में साफ सफाई, थोड़े दिनों में ही घर में धूल बैठ जाती है, तो घर की साफ सफाई करनी है पूरी। तो अभी घर की साफ सफाई कर रही हूँ, कपड़े डाले हुए हैं वॉशिंग मशीन में मैंने, तो ठीक है फिर कर लेते हैं और जैसा जैसा होगा व्लॉग में हम वैसा वैसा आपको दिखाते रहेंगे। वैसे अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कपड़े धुल रहे हैं। यहाँ पतिदेव पता नहीं कहाँ घूमने के लिए जा रहे हो, ऑफिस से छुट्टी में हो, कहाँ जा रहे हो? तो अभी बना रही हूँ मैं मैक्रोनी, तो चलो फिर मैक्रोनी बनाते हैं। मैंने मैक्रोनी उबाल के रखी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे, ये रही मैक्रोनी उबाल के रखी हुई है, तो फटाफट बनाते हैं इसको। मेरी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो गई है, पर चिमनी की आवाज़ आ रही है, घर 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 आ रही होगी ना पीछे चिमनी की आ रही है। उसको बंद कर देते हैं, ये बिल्कुल तैयार हो गया और डाल देते हैं अब आशिक के लिए मैक्रोनी। खा के तो देखो कैसी हो रही है, इतने ये देखो गेम खेलने में व्यस्त है, खाओ ना। ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, दोपहर अभी बज रहे हैं एक, तो अभी बना रही हूँ मैं लंच। दाल मैंने उबाल के रख दिया और यहाँ पे आज मैंने अपनी नई कढ़ाई भी इस्तेमाल कर लिया जो मैंने धनतेरस पे ले रखी थी, तो इस पर बनाने के लिए रख दिया मैंने सब्जी। यहाँ पे मैंने दाल उबाल के रख दिया, लंच बनाती हूँ। और आज पता है क्या हुआ कि ये वाला जाली वाला दरवाज़ा बंदर खोल के अंदर आ गया। यहाँ पे रखी हुई थी कीवी, कल मैं कीवी खरीद के लाई थी और फ्रूट्स खरीद के लाई थी, बंदर उठा के ले गया और खा लिया उसने। मैं कह रही हूँ उस वाले दरवाजे से देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ बंदर कीवी कहाँ से खा रहा है। अरे मुझे याद है मैंने तो इस वाले कमरे में रखी थी और शायद इस वाले दरवाजे को बंद करना भूल गई, फिर देखा तो तब तक बंदर कीवी खा चुका था। तो फिर कुछ नहीं होता, अब क्या कर सकते हैं, बंदर बेचारे को भी भूख लगी होगी। उसके बाद मुझे जाना है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी होगी। मेरा 7th को पेपर है जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो मैं अभी हो गई हूँ तैयार और ये झोला लाए हुए हैं, मतलब ये लाए हुए हैं मेरे पतिदेव मेरे लिए, पता नहीं क्या सोच समझ के लेके आए, तो बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा तो वो ले आए मेरे लिए, तो मुझे भी अच्छा लग रहा। तो अभी मैं जाने वाली हूँ ट्यूशन पढ़ाने, लेकिन अभी इंतज़ार कर रही हूँ अपने पतिदेव का, जैसे वो आएंगे खाना खाऊँगी तब जाऊँगी। तो एक बार कॉल कर चुकी हूँ, एक बार और करूँगी। गाने का मन कर रहा है तुम्हारे लिए, घर में पधारो गजानन जी वाला, ए भगवान धो बुलाना हो जाता है यार खाने के लिए। पतिदेव फाइनली खाना बन के तैयार है और अब पतिदेव को देते हैं और खुद भी खाते हैं, तो आपको खाना सीधे खाना खाने के बाद मिलेंगे। हेलो, तो मैं जा रही ट्यूशन पढ़ाने और ये बैग है मम्मी लोगों का जिसपे है मम्मी लोगों का सामान, तो अभी चलते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। दिन के खाना खाने के बाद ब्लॉग को मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई, उसके बाद मैं थोड़ी देर मायके गई, उसके बाद यहाँ ही थोड़ी देर खुद की पढ़ाई करी, अब कर रही हूँ मैं रात के खाने की तैयारी। तो अभी सब चीज़ों को मैं कर लेती हूँ चॉप, उसके बाद बनाएंगे आज हम मटर पनीर, जिसके मटर अभी तक आए नहीं है क्योंकि वो बजा रही है अभी, उनको फ़ोन किया वो मटर लाने वाले हैं, तब तक मैं सारी चीज़ों को चॉप कर लेती हूँ। अभी मैंने कर लिया सब चीज़ों को चॉप, अब बनाते हैं पनीर की सब्जी, मतलब इसमें प्याज है और लहसुन और अदरक है। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने गैस पे, इस पर तेल डालती हूँ, पहले प्याज और लहसुन को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इसको पीस लूँगी, क्योंकि अगर मैं कच्चा प्याज पीस के डालूँगी ना तो टेस्टी नहीं लगेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरी पनीर की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है, फिलहाल मेरी सब्जी बन गई है और अभी मैं बैठ रही हूँ थोड़ी पढ़ाई, वो उस रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं इस रूम में पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग रूम में अच्छा लगता है पढ़ के। खाना बन गया है रात का,
पनीर की सब्जी जो अभी बनाई थी, ये दिन की गोभी की सब्जी बची हुई थी, थोड़ी दिन की दाल बची हुई है और रोटियाँ, तो इनके लिए तो मैंने डाल दिया है। तो पहले इनको दे देती हूँ, फिर मैं खाऊँगी। तो हमने कर लिया है अपना डिनर, तो अभी मुझे बर्तन धोने हैं, तो फटाफट बर्तन धो लेती हूँ और किचन साफ करके सोती हूँ। तो पूरा किचन मैंने साफ कर लिया जितना भी हो पाया उतना, और ये खाना बचा हुआ सुबह गाय को दे देंगे। तो इस वाले ब्लॉग का भी अभी एंड कर देते हैं क्योंकि अब सोएंगे, और बस अभी सुबह के खाने की तैयारी करके रख देती हूँ। तो इस वाले ब्लॉग का एंड कर देते हैं। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाइएगा।